लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चल, चल। ओ अंकल। अरे सुन, 3 लाज वोडका लेके। हाँ, आप छोड़ा, हाफ पानी। यार मरवाओगे यार तुम लोग। और स्टार्टर्स में क्या? यार जो भी है, 2-2 प्लेट लिया। ये छोड़ दे। हाँ। और म्यूजिक चेंज कर यार, कुछ गजल गजल लगा। हाँ? पिया, what the hell is this? ये क्या पहना है? अरे 18th century की वॉच। यार लोग क्या बोलेंगे? सुहास की फियांसे को देखो, डॉक्टर बनने वाली है और 200 रुपए की घड़ी पहनती है। प्लीज टेक इट ऑफ। थैंक यू। हाय हैंडसम। हे आंटी, यू लुकिंग गुड। डोंट मिस माय सेट डार्लिंग। रूबीज मैंडले से हैं। मैंडले, वाओ। हे लेट्स गो मीट डेविड। चलो तुम्हें मिलाओ। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। Excuse me. Yes. Glass. ये glass में ले लो। क्यों? आप glass फेंक के मारेंगी, मेरा सर फट जाएगा। मैं आपको क्यों मारूंगी? क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी free advice देने वाला हूँ। क्या? उस गधे से कभी शादी मत करिएगा। Excuse me. वो आदमी नहीं, price tag है, price tag. Listen. ज़िंदगी भर आपको अलग अलग products के दाम बता बता के पका देगा। Hello. कि life बर्बाद हो जाएगी। फ्यूचर भी फिनिश्ड। डेमो दो। उसके जूते कितने के पता करो। मैं नहीं पूछूंगा, वो खुद बताए। जैसे $300 के शूज है, पुदीने की चटनी और भाई $300 शूज। भाग ले। फ्री एडवाइस लेना चलो, नहीं तो जाने दो। Genuine Italian leather hand stitch. Dad, ये आपके गेस्ट हैं? ये तो मेरे स्टूडेंट्स। ये यहाँ क्या कर? एक सेकंड। ये छोले बहुत अच्छा लग रहा है, स्मेलिंग वेरी गुड। अबे पूरी के लिए जगह नहीं है, एडजस्ट कर लेना साइड में। अच्छा। हाय। हे। हाय। आपने मेरी आंखें खोल दी, थैंक यू सो मच। ऐसी क्या बात है, तो मेरा फर्ज था। कैन आस्क यू फॉर लिटिल मोर हेल्प? या या। मेरे डैड सुहास के साथ ये एंगेजमेंट तोड़ने नहीं देंगे। ओ। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप उनको भी एक डेमो दे दे तो। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, डेमो देंगे। राजू, हाँ चटनी दे। You're really sweet. कहाँ है डैडी आपके? बिल्कुल आपके पीछे। भाग लो, फ्री एडवाइस है, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर लिफाफा देके आते हैं सर, स्टेज पे। मुझे दे दो, मेरी बहन की शादी है। बहन? सर आपकी टोटल कितनी बेटियां हैं? सर खाली है। तू डाला नहीं रहा तू? वैसे हमने तो आपको बुलाया नहीं। हाँ। आप शायद लड़के वालों की तरफ से होंगे। नहीं सर, हम एक्चुअली साइंस की तरफ से हैं सर, साइंस की तरफ से। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? डैड ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे, दो ना। सर एक्चुअली दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती है सर, और शादी में बड़ी प्रॉब्लम होती है सर उसकी वजह से। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा इन्वर्टर बनाऊं जो शादी में आई हुई गाड़ियों की बैटरी से पावर ले सर। अच्छा। वाओ। तो बना दिया इन्वर्टर? सर डिजाइन रेडी है। डिजाइन कहाँ है फरहान? डिजाइन दिया था ना तुझे? हाँ मैंने राजू को दिया था। राजू डिजाइन? सर एक्चुअली डिजाइन छोड़िए ना सर, सर मैं आपको डायरेक्ट इन्वर्टर बना के दिखाता हूँ। तुम सिर्फ बेवकूफ बना सकते हो, इन्वर्टर नहीं। नहीं सर, सर मैं आपको इन्वर्टर जरूर बना के दिखाऊंगा सर, आई प्रॉमिस। और उसको आपका नाम दूंगा सर, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी बेटी की शादी में इन्वेंट हुआ है, तो इट विल बी एन ऑनर। फरहान, राजू, आप दोनों से कल मैं ऑफिस में मिलना चाहूंगा। सर आपका पर प्लेट कॉस्ट कितना था? सर हम लोग भर देंगे सर, इंस्टॉलमेंट्स में सर। और आगे से हम किसी शादी में नहीं घुसेंगे सर। हाँ सर, मैं तो अपनी शादी में भी नहीं घुसूंगा। इनफैक्ट सर मैं शादी नहीं करूंगा, और ये भी नहीं करेगा सर।
हाँ सर, मैं भी नहीं करूँगा सर। तुम्हारे माँ बाप को भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। इस दुनिया में दो इडियट्स कम पैदा होते। Pay attention. ये है रणछोड़दास के फादर की मंथली इनकम 2.5 करोड़ रुपए। अब इसमें से एक या दो जीरो निकाल दो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक और जीरो कम हो जाए तो आई वुड वरी अ लिटिल। ये तुम्हारे फादर की मंथली इनकम है मिस्टर फरहान। और अब एक और जीरो कम कर दो तो ये तुम्हारी फैमिली इनकम है मिस्टर राजू रस्तों की। बिग रीजन टू वरी। वीरू सहस्र बुद्धि की बात मानो और अपना कमरा चेंज करो। चतुर रामलिंगम के साथ शिफ्ट हो जाओ। एग्जाम्स आ रहे, उस छाछड़ के साथ रहोगे तो कभी पास नहीं। शेव करा दिए, देन गेट लॉस्ट। राजू तू समझा कर, वायरस हमारे साथ गेम खेल रहा है डिवाइड एंड रूल। अरे तो डर मत यार। डरना पड़ता है, मुझे अच्छी नौकरी के लिए अच्छे ग्रेड चाहिए और ग्रेड उसके हाथ में। तेरे जैसा रईस बात नहीं है मेरा जिसके खर्चे में पूरी जिंदगी निकाल लूंगा। ए राजू तू क्या बकवास कर रहा है यार, ये जो बोलेगा हम वही करेंगे क्या? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तू होगा चमचा इसका, मैं नहीं। ए अब तो लाइन क्रॉस कर रहा है। नहीं, मैं बीच में लाइन बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है। माँ की आधी सैलरी बाबा की दवाइयों में जाती है। कमों की शादी नहीं हो रही क्योंकि लड़के वालों को मारुति 800 चाहिए। पिछले 5 सालों में माने एक साड़ी तक नहीं खरीदी। यार अब तू आर्गुमेंट में माँ की साड़ी घुसेड़ेगा तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? यार वैसे एक साल में कितनी साड़ियाँ रीजनेबल होती? माँ को लेके मजाक नहीं है। अरे राजू हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़दास। मारो तुम लोग। अरे 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 राजू यार टेंशन मत ले यार, हम लोग टॉप करेंगे ना यार। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल ना। ले अब डाल दे इसको वापस अंदर। राजू ने ट्रेन का डिब्बा बदल दिया। अब वो चतुर के साथ सफर करने निकल पड़ा। हिंदी का सफर नहीं, अंग्रेजी का सफर। SUFFER चतुर को सब साइलेंसर बुलाते थे। माइंड को शार्प करने के लिए कोई बंगाली बाबा का चूरन खाता था, फिर साइलेंटली गर्म हवाएं छोड़ता था। I didn't do it, राजू। और इल्जाम हमेशा दूसरों पे ठोकता था। साइलेंसर दिन में 18 घंटे रट्टा मारता था और एग्जाम्स की रात दूसरों को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करता था। उसका मानना था कि एग्जाम स्टॉप करने के दो ही तरीके हैं, या तो खुद मार्क्स अच्छे ले आओ या दूसरों के कम कराओ। रैंचो ने साइलेंसर को सबक सिखाने का और राजू को बचाने का कंबाइंड प्लान बनाया। हमारे डायरेक्टर साहब ने यहाँ कई चमत्कार किए हैं। चमत्कार का मतलब है? मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे। I'll memorize it. टीचर्स डे पे इंट्रोडक्टरी स्पीच देने के लिए चतुर को चुना गया था। उसने वायरस को इम्प्रेस करने के लिए अपनी स्पीच लाइब्रेरियन दुबे से शुद्ध हिंदी में लिखवाई। हेलो, हाँ बुलाता हूँ।
चतुर, तुम्हारा फोन है। दुबे जी, प्रिंट आउट आपके पास रखिए, मैं आती हूँ। रट्टू रोबोट, ये भी काम करो इनका। अरे दुबे जी, हा? आपको डायरेक्टर साहब ने अभी याद किया। अच्छा, हाँ अभी। अच्छा ठीक है, तुम ये चतुर को दे देना, मैं आता हूँ। हेलो, मिस्टर रामलिंगम। यस जी, मैं लाजपत नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आप युगांडा से हैं? यस सर। जी, आपकी जान को खतरा है। व्हाट? हाउ? मेरी इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनिए, वरना कॉलेज के गेट के बाहर निकलते ही बीच रोड में आपकी मौत हो जाएगी। क्यों? क्या हुई? चतुर इस सदमे से रिकवर करता उससे पहले रैंचो ने उसकी स्पीच के चंद शब्द बदल डाले, जैसे चमत्कार बन गया बलात्कार। आपने मुझे बुलाया सर? और तुम? दुबे, लाइब्रेरियन, परमानेंट हूँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक मिनट, कमिश्नर साहब का फोन है, होल्ड कीजिए। एक्सक्यूज मी सर, सर। हेलो जी, हाँ जी, मैं कहाँ था? आपने बोला गेट के बाहर मेरी मौत। हाँ, देखो जब तुम गेट के बाहर निकलोगे तब सामने तुम्हें एक सिग्नल दिखेगा, ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल? हाँ, ओके ओके। जब वो सिग्नल लाल हो जाएगा, यानी कि रेड, तब सारी गाड़ियां रुक जाएंगी। ओके ओके, फिर तुम ध्यान से रोड क्रॉस करना। वो क्या है ना बेटा, आजकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो कभी गाड़ी वाड़ी से टकरा गए तो मौत भी हो सकती है। What nonsense! I know that. Ah, you know that? Very good, beta. तब तो तुम safe हो. शाबाश, शाबाश. बन गया robot. Hey, silencer. दूबे ने तेरे लिए दिया. You don't call me that, Chatur. Chatur. अरे director तो बोले हमें नहीं बुलाया. बुलाया थोड़ी था दुबे जी. मैंने तो कहा याद किया. याद किया? नालायको! आदरणीय सभापति महोदया, अतिथि विशेष शिक्षण मंत्री श्री आर डी त्रिपति जी, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यार सभापति, आज अगर आईसी आसमान की बुलंदियो को छू रहा है तो उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, श्री विरु सहस्त्र बुद्धे। बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। He's a great guy. पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किया। इसका मतलब है चमत्कार पे चमत्कार किया है। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। वक्त का सही उपयोग, घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। आज हम सब छात्र यहाँ है, कल देश विदेश फैल जाएगा। वादा है अब से जिस देश में होंगे वहां बलात्कार करेंगे। आईसीई का नाम रोशन करेंगे। दिखा देंगे सबको जो बलात्कार करने की क्षमता यहाँ के छात्रों में है वो संसार के किसी छात्र में नहीं। नो अदर छात्र, नो अदर छात्र। आदरणीय मंत्री जी नमस्कार, आपने इस संस्थान को वो चीज दी जिसके हमें सख्त जरूरत थी। धन धन स्तन। धन नहीं, धन माने
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? स्तन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। अश्लील है ये लोना। आपने अपना स्तन इस बलात्कारी पुरुष के हाथ में दिया। अब देखिए ये कैसा इसका उपयोग करता है। सासु भाई, उतनी बुद्धि नहीं तुम्हारे पास। स्वर्ण अवसर पर एक श्लोक याद आ रहे हैं। सुन सुन, अब अपने पादने की ताकत संस्कृत में समझाएगा। उत्तमं दद्दात पाद, मध्यम पादम तुचुक तुचुक, कनिष्ठम थुड़थुड़ी पादम, सुरसुरी प्राणघटक। समझे रट्टा मारेगा तो यही होगा। देख 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 ना, रट्टा मार के तू कॉलेज के 4 साल तो अपनी इज्जत बचा लेगा, लेकिन लाइफ के अगले 40 साल तेरा बलात्कार होता रहेगा, बलात्कार। अरे अरे यार, इतना समझा है समझता नहीं। मध्यम पादम तुझे अनबिलीवेबल, तू तो पॉइंट है यार रंजू, थोड़ी ठीक हो तू। क्या मजा है, हम लोग राजू को डेमो दे रहे थे कि रट्टा मार के मत पढ़ो, कुछ समझ के पढ़ो यार, साइंस का मजा लूटो यार। मैं यहाँ मजा लूटने नहीं आया हूँ। तो क्या इज्जत लूटने आया है? साइंस का बलात्कार करने आया है? थुछुक, थुछुक। हसो, मेरे मेथड्स पे हसो। एक दिन इन्हीं मेथड से मैं सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा, फिर मैं हंसूंगा एंड तुम रोओगे। यार तू फिर गलत ट्रेन पकड़ रहा है, सक्सेस के पीछे मत भाग। इतना अच्छा इंजीनियर बन के सक्सेस तेरे पीछे भागे यार। These ideals don't work in the real world, chanchad. तू तेरी ट्रेन पकड़, मैं मेरी ट्रेन पकड़ता हूँ। 10 साल के बाद इसी स्टेशन पे वापस आएंगे। आज ही के दिन देखेंगे कौन ज्यादा सक्सेसफुल हो, तुम या मैं। हिम्मत हे हिम्मत, तू लगा बैठ, बोल आएगा आएगा आएगा। क्या कर रहा है यार? अरे सवाल क्या हो गया इसको? क्या लिख रहा है? ये डेट भूलना मत। अरे